वीरेंद्र गोयल जी, कि जिस तरह से अगर सरकार ड्यूटी घटा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो रहा है क्योंकि 56% के तकरीबन जो है तेल आयात किया जाता है, और उसी कारण जिस तरह से प्रियांक कह रहे हैं कि सरसों के तेल जो घरेलू तेल थे, घरेलू उत्पाद थे, उसके भी दाम चढ़ने लगे। अब यहाँ पे आप से हम ये समझना चाहते हैं, सरकार इसे कंट्रोल करे तो करे कैसे, और कैसे कर सकती है, क्या प्रोविजन हो सकते हैं सरकार के पास? रविंद्र जी, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार के खिलाफ बोलने पे सरकार जेल भेज सकती है। तो सरकार अगर ठान ले कि महंगाई पे हमें कंट्रोल करना है तो सरकार के पास पूरा मैकेनिज्म है। चाहे वो जैसे अभी अंजुलिका जी ने कहा कि अगर कोई भी आइटम इंपोर्ट हो रहा है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एक बार टेम्परेरी रिलीफ के तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बहुत बड़ी राहत दे करके दामों को नीचे ला सकते। दूसरी बात, कल जब हम आपके ही चैनल पे ऑयल के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो एक सुझाव ये भी आया था कि हम अल्टीमेटली कैप क्यों नहीं लगा देते कि किसी भी हालत में इससे महंगा कोई भी पदार्थ नहीं बिकेगा। दूसरी बात, मैं पूर्व प्रवक्ता से जो कि खुद ऑयल बिजनेस में है, उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि MSP किसानों का जो माल बिका है वो 6,500 रुपये 6,000 रुपये के हिसाब से बिका है। जो आंकड़े कहते हैं वो वही है कि 4,000 से 4,500 रुपये के बीच में सरसों की खरीद हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये गैप आया क्यों है। इसका बड़ा क्लियर कट सीधा तरीका है कि इसमें कहीं ना कहीं जमाखोरी और मुनाफाखोरी, जिस दो शब्दों के पीछे ये सरकार पड़ी है और उसी दो शब्दों को के ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन करती है, ये उसका डायरेक्ट नतीजा है। आप एक बड़ी कॉमन सी बात है कि किसी भी देश की सरकार के पास अथाह पावर होती है, अथाह पैसा होता है। किसी भी समस्या को अगर वो साधने की कोशिश करे तो सब कुछ संभव है। तो सरकार की नीयत ठीक है, सरकार जो है वो असंवेदनशील हो गई है, उसको परवाही नहीं है। क्यों? अब मैं आपके पूर्व प्रवक्ता संदीप जी और अंजुलिका जी ने जो कहा कि विपक्ष की कमी है, हमारे साथ बैठी हुई है NCP की प्रवक्ता, शायद उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ये उनको भी स्वीकार करना होगा खुले हृदय से कि जिस तरीके से BJP ने, इस सरकार ने मुद्दों को प्लेट में सजा करके दिया है, प्लेटर पे परोस के दिया है, उसका वो कोई भी उपयोग बेहतर तरीके से जनता के हित में नहीं कर पा। तो विपक्ष को इसमें मजबूत होना पड़ेगा और सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा रविंद्र जी, तब जा करके ये सब कुछ संभव है, दाम नीचे आने शुरू हो जाए, तब जाके कहीं दाम नीचे आएंगे।